स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास फोर्थ। सब्जेक्ट इज़ जनरल नॉलेज। बेटे एज यू नो वी हैव डन 12 चैप्टर ऑफ क्लास फोर्थ इन जीके। क्लास फोर्थ में जीके के 12 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू चैप्टर 13, 14 और 15। ओके 13, 14, 15 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो गेट रेडी क्विक, टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन चैप्टर 13। सी बेटा इट इज ऑन पेज नंबर 21, चैप्टर 13, दैट इज अमेजिंग एनिमल फैक्ट्स। अमेजिंग एनिमल फैक्ट्स, एनिमल्स के बारे में आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेंगी इस चैप्टर में। ओके सो देयर इज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल इन द वर्ल्ड। एक अमेजिंग यानी आश्चर्यचकित डाइवर्सिटी एनिमल्स में होती है। वो क्या होती है? सम एनिमल्स आर रादर पिक्युलर इन अपीयरेंस एंड बिहेवियर एंड हैंस आर वेरी फैसिनेटिंग। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बेटा, वो बिल्कुल विचित्र होते हैं। विचित्र मीन्स स्पेशल वन होते हैं अपने आप में। कैसे स्पेशल होते हैं? कई बार उनकी अपीयरेंस से यानी लुकिंग वाइज वो कैसे दिखते हैं, डिफरेंट दिखते हैं एकदम। और कई बार उनके बिहेवियर से, कई बार वो बहुत आकर्षित एक्टिविटीज़ करते हैं, उनसे भी वो डिफरेंट होते हैं। सो इन दिस एक्सरसाइज वी विल आइडेंटिफाई द एनिमल्स। डिटेल्स दी हुई है एनिमल्स के बारे में, वी विल आइडेंटिफाई देम। ओके सो द फ्लैश ऑफ दिस एनिमल इज लाइक जेली। इस एनिमल का जो फ्लैश होता है वो बिल्कुल जेली की तरह होता है। In the year 2013, it was voted the world's ugliest animal. 2013 में इसको ugliest animal कहा गया था, वोट किया गया था ugliest animal के लिए इसको वोट किया गया था। तो ये है बेटा ब्लोब फिश, BLOB ब्लोब फिश, FISH फिश। सेकेंड है आपका इट बिलोंग्स टू द मंकी फैमिली। ये मंकी की फैमिली से बिलोंग करता है। इट हैज़ अ बिग वाइट मुस्टैच। इसकी वाइट बिग वाइट मुस्टैच होती हैं विच लुक्स लाइक दैट ऑफ जर्मन एम्परर विल्हेम सेकंड। विल्हेम सेकंड की तरह एक जर्मन एम्परर था विल्हेम सेकंड, उसकी जैसी मूछ दिखती हैं इसकी। देखो मुस्टैच इसी दिखती हैं वाइट कलर की। बेटा ये होता है आपका एम्परर टैमरिन। इसे हम एम्परर टैमरिन कहते हैं, TAMARIN। ओके इट रिजेंबल्स अ स्मॉल लामा इन अपीयरेंस। ये स्मॉल लामा की तरह दिखता है, ठीक है। इट इज़ ब्रेड फॉर फाइबर। ये फाइबर के लिए एक ब्रीड होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एल्पसा, ALPACA एल्पका, ठीक है। नेक्स्ट है अपना अ लार्ज फ्रिल यूजुअली लाइज फोल्डेड बैक अगेंस्ट इट्स हेड एंड नेक। एक लार्ज फ्रिल होती है इसके पीछे हेड पर और नेक पर, और ये होती है बेटा फ्रिल्ड नेक लिजार्ड। फ्रिल्ड नेक्ड, NECKED नेक लिजार्ड, LIZARD। फिफ्थ वन, इट हैज़ अ डिस्टिंक्टिव मीन्स अलग फीचर विच इज़ अ लॉन्ग प्रोट्रूडिंग नोज। एक उभरती हुई नोज होती है उसकी लाइक दिस, और बिल्कुल अलग फीचर होते हैं, विभिन्न डिस्टिंक्टिव मीन्स कह सकते हैं, विभिन्न फीचर्स होते हैं इसमें। तो ये होता है बेटा प्रोबोसिस मंकी, PROBOSCIS मंकी, MONKEY। लास्ट वन है इट हैज़ अ लॉन्ग थिक कॉर्डेड वाइट कोट दैट रिजेंबल अ मोप। ये मोप की तरह लगता है। ये होता है बेटा कोमोंडोर डॉग,
COMONDOR, Komodo dog, DOG. Okay, next chapter 14, turn the page. It is chapter 14 and it is about craft work. Craft work ke bare mein hai ye. There are different types of craft work that children enjoy. Bacche jisko enjoy karte hain, aise bahut sare craft work hote hain. Craft work helps develop personal traits like initiative, perseverance and self-confidence. क्राफ्ट जो होता है, क्राफ्ट वर्क जो होता है, वो हमारी खुद की जो क्रिएटिविटी होती है, शुरुआत होती है किसी चीज़ को करने की, उसे बढ़ाता है और हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है कि ये चीज़ हमने बनाई है, ऐसा हमें भी आता है. तो यहाँ कुछ आपको वैसे ही आर्ट एंड क्राफ्ट के कुछ क्राफ्ट के दिए हुए हैं पिक्चर्स, हमको उनके नेम लिखने हैं. Identify the craft work and fill the missing letter. Craft work identify करना और missing letter fill करने है. तो first one is quilting. Q-U-I-Q-U-I-L-T-I-N-G. Quilting. ठीक है. Second है आपका knitting. K N I double T I N G, knitting. K को प्रोनाउंस नहीं करेंगे. थर्ड है आपकी एम्ब्रॉयडरी. E M B R O I D E R Y, एम्ब्रॉयडरी. फिफ्थ वन है आपका टाई एंड डाई. T I E N D Y E, tie and die. ठीक है. फिफ्थ है आपका स्क्रैच. S C R A T C H, स्क्रैच आर्ट. सिक्स है आपकी मार्बलिंग. M A R B L I N G, मार्बलिंग. सेवन है बेटा ग्लास पेंटिंग. G L A डबल S P पेंटिंग, P A I N T I N G, ग्लास पेंटिंग. लास्ट वन है आपकी मोज़ेक पेंटिंग. मोज़ेक पेंटिंग, M O S A I C, मोज़ेक पेंटिंग, P A I N T I N G. बेटा ऐसे इट इज़ गुड फॉर चिल्ड्रन टू लर्न सम क्राफ्ट. बच्चों के लिए कुछ भी क्राफ्ट सीखना बहुत ही अच्छा होता है. आप अब क्राफ्ट को एज ए हॉबी भी आप लोग अडॉप्ट कर सकते हो, यानी किसी किसी की हॉबी भी होती है क्राफ्ट. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 15, पेज नंबर 23, बीट एंड फियर. बीट द फियर यानी डर को भगाना या मारना कह सकते हैं हम. लाइफ स्किल्स, इट इज़ रिलेटेड टू आर लाइफ स्किल. फोबिया इज़ एन एक्सट्रीम फियर ऑफ समथिंग. फोबिया किसी चीज़ का बहुत भयंकर डर होता है ना, सबसे ज़्यादा डर. कॉमन फोबियाज इंक्लूड फियर ऑफ हाइट. कॉमन फोबिया होते हैं जिनमें किस किस का फियर होता है आपको, हाइट का, इंसेक्ट्स का, डार्कनेस, वाटर एंड डॉग्स, इन सबका फियर होता है आपको. मोस्ट फोबियाज डेवलप इन चाइल्डहुड. अधिकतर जो फोबिया होते हैं ना, वो बचपन में होते हैं, यानी बचपन में हमें ज़्यादा डर लगता है. बट दे कैन ऑल्सो डेवलप इन एडल्टहुड. थोड़े बड़े हो जाते हैं एडल्टहुड, किशोरावस्था में भी वो डेवलप हो सकते हैं ड्यू टू मैनी रीजन्स. उनके कई कारण हैं. तो फोबियाज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे बेटा. आइडेंटिफाई द फोबिया. फोबिया हमको आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट है फियर ऑफ डार्क, कॉमन इन यंग चिल्ड्रन. यंग चिल्ड्रन में भी होता है डार्कनेस का फियर, यानी अंधेरे का डर जो होता है. देखो
ये जो फीविया होता है वो होता है नाइक्टोफोबिया, NYCTO फोबिया, PHOBIA। इसके ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है, हैव अ नाइट लैम्प एंड अवॉइड वॉचिंग हॉरर मूवीज एट नाइट। रात को हमें हॉरर मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए, जिन बच्चों को डर लगता है डार्कनेस से, और हमेशा लैम्प रखना चाहिए, नाइट लैम्प। फियर ऑफ स्पाइडर जो होता है वो होता है आर्कनोफोबिया, ARACHNO आर्कनोफोबिया, PHOBIA आर्कनोफोबिया, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट है रीड बुक्स ऑन स्पाइडर और अदर इंसेक्ट्स। हमें जो इंसेक्ट्स पर बुक्स लिखी गई हैं वो रीड करनी चाहिए, ठीक है, टू अंडरस्टैंड देम, ताकि हम उनको अच्छे तरीके से समझ सकें, और जो जो भ्रांतियाँ हमने पाल रखी हैं जिनके कारण हमें डर लगता है उस वो हमारी सारी दूर हो सकें। गिव टॉय स्पाइडर टू प्ले, बच्चों को टॉय स्पाइडर भी खेलने के लिए दे सकते हैं, ये भी एक तरीका है ट्रीटमेंट का। फियर ऑफ थंडर एंड लाइटिंग, अगर लाइटनिंग का और थंडर का फोबिया है या फियर है, तो इसको हम बोलते हैं एस्ट्राफोबिया, ASTRAPHOBIA, एस्ट्राफोबिया। इसका ट्रीटमेंट है इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटी टू कीप विजी ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जब जैसे कोई तूफान या फिर कोई तेज़ थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, तो अपने आप को अदर एक्टिविटीज़ में बिजी रखें। फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस लाइक स्टोर रूम, एलिवेटर्स एंड बाथरूम। ओके बेटा, सो अकेले किसी भी रूम में बंद होना या फिर किसी ऐसी जगह पर बंद होना जहाँ पर आप अकेले हो, स्टोर रूम जैसे, इनसे जो फोबिया होता है वो उसे बोलते हैं बेटा कोलेस्ट्रोफोबिया। तो ये होता है CLAUSTRO फोबिया, PHOBIA, CLAUSTRO, PHOBIO। इसका ट्रीटमेंट है गो अप एंड डाउन इन एन एलिवेटर, एलिवेटर में ऊपर नीचे आप जाएं विद एन एडल्ट, किसी बड़े के साथ, और स्टे इन अ स्मॉल रूम फॉर अ लॉन्गर पीरियड, और लंबे समय तक किसी छोटे रूम में अपने आप को बंद रखें, या फिर इससे आपका डर जो है वो निकल जाएगा। नेक्स्ट है फियर ऑफ हाइट्स। हाइट्स का फियर क्या होता है बेटा, इसे हम बोलते हैं एक्रोफोबिया, ACROPHOBIA, एक्रोफोबिया। इसका ट्रीटमेंट है स्लोली एक्सपोज विद द हेल्प ऑफ एडल्ट टू हाइट्स, हाइट्स पर जाकर धीरे धीरे किसी भी एडल्ट के साथ, किसी बड़े के साथ, ठीक है, अपने डर को धीरे धीरे एक्सपोज करें, खोलें, निकालें कि आज मैंने एक फ्लोर से देखा, फिर सेकंड फ्लोर से, फिर थर्ड फ्लोर से, लाइक दिस, जैसे कि आप लाइक बालकनी और अ हिल, हिल पर जाकर और बालकनी से आप देख सकते हो, तो ये आपका डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आर थ्री चैप्टर 13, 14, 15 कंप्लीट हो गए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर। आपको नोटबुक में क्या नोट डाउन करना है बेटा, आप ये चैप्टर नोट डाउन करोगे, यहाँ आप नोट SW लिख लीजिए। तो आपको कैसे लिखना है, फियर ऑफ डार्क कॉमन इन यंग चिल्ड्रन, फिर उसके आगे उसका नेम लिख दोगे नेक्टोफोबिया, ठीक है, इस तरीके से आप नेम लिख के बस यही लिखना है, ट्रीटमेंट आपको नहीं लिखना, वो आप बुक से ही लर्न कर लेना, लर्न पूरा चैप्टर करना है आपको। रिटिन वर्क मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ, आप लोगों के पास वैसे ही काफ़ी सारा वर्क हो जाता है, आप लोग बहुत ज़्यादा लिखते रहते हो, वर्क करते रहते हो, तो आप बुक से ही लर्न ज़रूर करेंगे बेटा, डोंट फॉरगेट टू लर्न, लर्न 100% करेंगे, ओके। सो द
these chapters complete ho gaye. In the next video we will do next chapter. Till then, stay safe, stay home.